नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक की बजाय दो दो सीट पर क्यों चुनाव लड़ते हैं दिग्गज, इस बार राहुल अखिलेश का क्या? चुनावी महासमर प्रत्याशियों को यूं तो एक सीट से जीतने के लिए खासा जूझना पड़ता है, लेकिन कुछ शख्सियतों ने दो दो लोकसभा सीट जीतने का कारनामा कर दिखाया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के दो दो लोकसभा सीट से मैदान में उतरने की चर्चा है। ये दोनों पहले भी दो दो सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। असल में लोकप्रियता और आत्मविश्वास के बूते ये बड़े नेता जब दो क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं तो इसका मकसद केवल खुद चुनाव जीतना नहीं होता, ये इसके जरिए अपनी पार्टी का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कई दिग्गज नेता रहे हैं जिन्होंने एक सीट यूपी से लड़ी तो दूसरी सीट दूसरे राज्य जाकर, अधिकांश दोनों पर कामयाब रहे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भाजपा के शीर्ष नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब चरम पर है, लेकिन ये स्थिति 2014 के लोकसभा चुनाव में भी थी। ये पहली बार वाराणसी चुनाव लड़ने आए और उन्होंने गुजरात की बड़ोदरा सीट से भी चुनाव लड़ा। दोनों जगह उन्होंने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने बड़ोदरा सीट छोड़ दी। माँ गंगा ने बुलाया है, अपनी इस कथन का मान रखते हुए उन्होंने वाराणसी सीट बनाए रखी। इस सीट से वह 2019 का चुनाव जीते और एक बार फिर इसी सीट से मैदान में है। सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस सोनिया गांधी पहले ही चुनाव मैदान में ना हो लेकिन वह लंबे समय तक रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करती रही हैं, लेकिन जब वह पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ने आई तो उन्होंने कर्नाटक की बेल्लारी सीट से भी चुनाव लड़ा। दोनों सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। ये बात 1999 के लोकसभा चुनाव की है। बाद में सोनिया गांधी ने बेल्लारी से इस्तीफा दिया और अमेठी सीट बरकरार रखी। मुलायम सिंह यादव ने अपने सियासी सफर में दो बार दो सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। पहली बार 1999 में वे संभल व कन्नौज दोनों लोकसभा सीट से लड़े और दोनों से जीत गए। वह मैनपुरी से भी चुनाव जीते और आजमगढ़ से भी। इन्होंने बाद में आजमगढ़ सीट छोड़ दी। अखिलेश यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव 2009 के आम चुनाव में दो सीटों से पर्चा भर दिया। वे फिरोजाबाद से भी जीते और कन्नौज से भी। इस बार वह कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वे आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी संभव है कि आजमगढ़ से अपने परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतार दें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।